चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, सेक्शन नंबर 3। और अभी तक आपने फेमा में डेफिनेशंस वगैरह पढ़े बड़े अच्छे अच्छे तरीके से, और सेक्शन 3 आप यूँ कह लो कि फेमा एक डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन देता है? तो हम सभी को डायरेक्शन देगा, हर एक पर्सन को ये डायरेक्शन दिया जा रहा है। 4 डायरेक्शंस फेमा में दिए जा रहे हैं जिनका आपको ख्याल बड़े अच्छी तरह रखना है। थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो फेमा के ऑफेंडर कहलाएंगे, जो फेमा में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतना पड़ेगा। तो आप एक आम इंसान है तो भी, स्टूडेंट है तो भी, आप फेमा जो डायरेक्शन दे रहा है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में, 2 जगहों पर, आप उनको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान से रखिए। पहले सबसे पहले कहते हैं सेव एच अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मैं इस वर्ड का मतलब अभी थोड़ी देर में आता हूँ कि मतलब क्या है इसका। मैं पेन का साइज थोड़ा सा डाउन ले लेता हूँ ताकि इसमें मैं थोड़ा अच्छा से पॉइंट आउट कर पाऊँ सारी चीज़ों को, और ये हटा दूँ जरा। अब चलिए जरा सिंपल स्पेसिफाइड है, सेव एच अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन मेड डे अंडर और विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा, इस लाइन को मैं सिंपल पहले ये पढ़ रहा हूँ। नो पर्सन सेल, क्या क्या नहीं कर सकता एक इंसान? तो पहला वो डील नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज में, दूसरा वो पेमेंट नहीं करेगा किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के क्रेडिट के लिए कोई पेमेंट नहीं करेगा, तीसरा वो रिसीव नहीं करेगा कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, और अगर रिसीव करेगा तो ऑथराइज्ड पर्सन से ही रिसीव करेगा, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के भी आपने कुछ रिसीव नहीं करेगा, और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये 4 डायरेक्शन है, आप इन 4 डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। डील नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है, और थर्ड जो डायरेक्शन हमारा बड़ा सिंपल है, रिसीव नहीं करना है और कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी पर्सन को, मतलब कोई भी पर्सन ये 4 काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे या कर भी सकते हैं। तो सेक्शन 3 को एक बार और पढ़िए। सेक्शन 3 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कहता है सेव एज अदरवाइज, मैं थोड़ा सा पेन को लार्ज करूं, सेव एज अदरवाइज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब अगर इसके विपरीत कहीं लिखी हुई है तो करो। कहां लिखी हुई है? प्रोवाइडेड दैट वॉज इन दिस एक्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में अगर लिखी है तो कर लो, या फिर रूल्स में लिखी हो तो कर लेना, या फिर रेगुलेशन में लिखी हो तो कर लेना, या फिर अकॉर्डिंगली कोई जनरल परमिशन है तो कर लेना, जनरल परमिशन है तो कर लेना, और अगर जनरल परमिशन नहीं है तो स्पेशल परमिशन है तो कर लेना। मतलब कि फेमा ने ये साफ साफ हिदायत दी है कि भाई आप ये 4 काम नहीं करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर एक्ट में कहीं अलाउड है तो। हो सकता है एक्ट में कहीं अलाउड है कोई लिमिट के साथ, कुछ कंडीशन के साथ एक्ट में अलाउड है, और अगर एक्ट में अलाउड नहीं है तो पॉसिबल आप रूल्स को चेक कर लेना, कहीं रूल्स पे अलाउड है तो कर लेना। रूल्स का मतलब और रेगुलेशन का मतलब, रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या अंतर होता है? रूल्स हमेशा जब भी बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बनाती है, और रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की डेलीगेटेड बॉडी बनाती है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रेगुलेशन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। तो रूल्स में लिखा हो तो कर लेना, रेगुलेशन में लिखा है तो कर लेना। जनरल परमिशन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी है, मतलब कि पूरी पब्लिक को एक जनरल परमिशन दे रखा है तो कर लेना, या फिर आप सोच रहे कि साहब ना तो एक्ट में है ना रूल्स में ना रेगुलेशन में ना कोई जनरल परमिशन है, लेकिन फिर भी मुझे ये ट्रांजेक्शन करना बहुत जरूरी है, तो आप जाइए सरकार के पास, उनको बताइए कि ऐसी क्या जरूरत है इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। अगर वो आपको परमिशन दे दे तो कर लेना, अगर आपको वो स्पेशल परमिशन दे दे तो कर लेना। तो फिर से सुनिए सेक्शन 3 का क्या वर्जन है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट
रूल्स रेगुलेशन और बाय द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब बड़ा क्लियर है, ऐसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर यहां परमिशन है तो फिर सेक्शन 3 की डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप कर सकते हो। अब क्या क्या नहीं कर सकते हो, आप उस मुद्दे को पढ़ाते हैं। ये चार चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। पहला, आप डील नहीं कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटी में, और अगर डील करनी है तो आपको ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करनी है। अच्छा, ये डील करने का मतलब क्या हुआ? छोटी छोटी बातों को भी हम डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास 2000 का नोट है और कुछ 200-300 रुपए खर्च करने हैं, तो क्या करेंगे? फ्रेंड को बोलेंगे कि साहब इसके चेंज दे दो, इसे खुले दे दो, वो आपको चेंज लेके देगा। आप दोनों में क्या हो गई? डीलिंग हो गई। किसकी डीलिंग हुई? फॉरेन पैसे की डीलिंग हो गई। लेकिन अगर आपके पास ना डॉलर है और अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि साहब थोड़ा इसका इंडियन करेंसी दे दो कन्वर्ट करके, जो रेट चल रहा है ले लेना, उसे ज़्यादा ले लेना, कम ले लेना, हम दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी आप कर लो उसको डीलिंग, मेरे को फॉरेन एक्सचेंज है उसकी इंडियन करेंसी दे दो। अगर आप ऐसा करते हो तो सेक्शन 3 सामने उठ के खड़ा हो जाता है कि बिल्कुल नहीं, ठहरो, वो करना अलग बात था, ये करना अलग बात है, आप डीलिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको डीलिंग करनी है तो जाओ, ऑथराइज्ड पर्सन है, बैंक में जाओ, मनी चेंजर है, उनसे करो, ऐसे नहीं करनी है। तो आपको करनी है तो आपको ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करनी है, ऐसे डीलिंग आपको नहीं करनी है। तो ध्यान आ गया ना, कल को कोई भी पूछे कि साहब आपके पास कुछ डॉलर है, कुछ रूबल है, कोई ऐसी फॉरेन की करेंसी है, मुझे चाहिए, ज़रूरत है, आप दोगे? आप बिल्कुल मना कर देना कि नहीं साहब, ये तो सेक्शन 3 में फेमा का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब मैं दूसरी स्टोरी आपको, दूसरा सिस्टम समझाता हूँ। अच्छा, दूसरा सिस्टम बड़ा रेलिवेंट है, बड़ा नॉर्मल है। सपोज करो, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करो कि राम प्रसाद के ग्रैंडफादर या राम प्रसाद के वो अमेरिका वाले अंकल जो हैं यूएसए से इंडिया आ गए, सही है ना? अब इंडिया पे आ गए और जब वो इंडिया आ रहे हैं, सोचे कि चलो थोड़ा इंडिया में टूर करेंगे, इधर ताजमहल, रेड फोर्ट्स वगैरह सब देखेंगे और वापस चले जाएंगे। चलो घूम रहे हैं, उनकी पिक पॉकेटिंग हो गई, सारे पैसे उनके गायब हो गए। सोचा राम प्रसाद से भी मिल लें, एक टैक्सी हायर किया, राम प्रसाद के घर पे पहुंचा। जब राम प्रसाद के घर पे पहुंचा तो उनको एहसास हुआ कि उनके सारे पैसे जो हैं, जो भी पैसे पड़े हुए थे, सब चोरी हो गई। अब वो चाहते हैं कि राम प्रसाद टैक्सी के बिल पे कर दे। राम प्रसाद को बोला, राम प्रसाद इस टैक्सी के बिल की पेमेंट कर दो। राम प्रसाद क्या पेमेंट कर सकता है? अंकल चाहे ठहरे PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, राम प्रसाद ठहरा PRI, क्या राम प्रसाद पेमेंट कर सकता है? फेवा उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है बिल्कुल नहीं राम प्रसाद, यू कांट डू डैट। वो कहता है मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन एनी मैनर, किसी भी तरह की पेमेंट आपको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की नहीं करनी है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कर देंगे तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो फेमा रिश्तेदारी का भी ख्याल जरूर रखा है, बिकॉज सेक्शन 3 स्टार्टिंग में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। सेक्शन 3 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन और बाई द स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द जनरल परमिशन, नो पर्सन सेल। मतलब अगर आपको इतना ही ख्याल, इतना एहसास है, तो एक्ट में इसका प्रोविजन जरूर है, हम आगे जरूर पढ़ेंगे, जब हम फेमा को आगे पढ़ेंगे। तो अब आप सोच के देखो, अचानक आपको फॉरेन कंट्री से आपके एक फ्रेंड का फोन आ गया। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, वैसे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ध्यान रखना। फॉरेन कंट्री से आपके दोस्त का एक फोन आया, बोला दोस्त मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम ड्यू हो गया है, आप उसका प्रीमियम की पेमेंट कर दो। तुम भी बोलते हो हाँ सर, क्यों नहीं, हम दोस्ती जरूर निभाएंगे, हम तुम्हारे इंश्योरेंस की प्रीमियम जरूर पेमेंट करेंगे। लेकिन जब उसकी इंश्योरेंस की प्रीमियम पेमेंट करने जाओ ना, तो वो जरूर देख लो कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। अगर वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है ना, तो सेक्शन 3 आपको सीधा मना कर रहा है कि बिल्कुल नहीं, आप उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर सकते हो, आप उसके लिए कोई पेमेंट आप नहीं कर सकते हो। सेक्शन 3 कंप्लीटली आपको मना कर रहा है कि आप उसकी कोई पेमेंट नहीं करोगे।
यही बात सेक्शन थ्री कह रहा है, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में आपको ऐसी कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। तीसरी बात सी क्या कहता है आप सुनिए, सी कहता है आपको रिसीव नहीं करनी है। अच्छा रिसीव नहीं करनी है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो पहले, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। भाई आपका एक रेस्टोरेंट है, आप बड़े आराम से बैठे हो अपने रेस्टोरेंट में और एक मिस्टर डगलस आ गए अमेरिका से, लंच किया आपके रेस्टोरेंट में और पैसे निकाल के दे रहे हैं, लेकिन इंडियन करेंसी नहीं है वो तो डॉलर है। वो कहते हैं कि भाई ये डॉलर ले लो, क्या आप डॉलर लेने के अलाउड हैं? क्लॉज सी सिंपल कहता है आप रिसीव नहीं करेंगे, अगर रिसीव करेंगे तो ऑथराइज्ड पर्सन से करेंगे, एनी पेमेंट बाई ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ दैट वॉज एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडियन एनी मैनर, यू डोंट नीड टू रिसीव दैट इन एट ऑल। आपको रिसीव नहीं करनी है, और आपको रिसीव क्या नहीं करनी है तो नेचुरली आपको कोई भी ऐसी करेंसी, कोई भी ऐसी फॉरेन करेंसी जो है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बिहाफ में आपको रिसीव नहीं करना है, ये भी चीज़ें आपको अलाउड बिल्कुल नहीं है। अच्छा बहुत सारी बातों को यहाँ पे लिख भी दिया है ना, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, दैट वॉज ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं एंड दिस वन 2 3 इन सारी बातों को यहाँ मेंशन कर दिया है। तो जब भी अगर आपको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया या किसी भी पर्सन से अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना है तो आप ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू लेंगे, अदरवाइज आप रिसीव नहीं करेंगे। दूसरी बात कहता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है इंडिया में, दैट वॉज एज ए कंसिडरेशन फॉर इन कनेक्शन विथ एक्विजिशन क्रिएशन ट्रांसफर ऑफ राइट टू एक्वायर एनी एसेट्स आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए ना यूएसए में ना ये घर है, ये हाउस है, और हाउस किसका है तो राम प्रसाद का है। बेचारा राम प्रसाद यूएसए गया था और पैसे खूब कमाए, सेटल्ड हो गया था यूएसए में, घर भी खरीद लिया अपना, और अब सोचा कि चलो यूएसए से मैं इंडिया शिफ्ट हो जाता हूँ, और सीधे यूएसए से वो इंडिया आ गया। लेकिन उसको ख्याल आया कि भाई जो हमारा यूएसए का तो जो घर था उसको तो बेचा नहीं मैंने, अब तो जाऊँगा नहीं, मुझे तो वो घर बेचना चाहिए था। अब वो सोचता है कि घर बेचने के लिए फिर से यूएसए पहुँचे, जो अमेरिका में मान लो टेक्सास में उसने घर खरीद के रखा है, सोचा उसको बेचने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ जाऊँ। लेकिन फिर उसको ख्याल आया नहीं साहब, शायद इंडिया में ही कोई कस्टमर मिल जाए, कोई बार मिल जाए जो मेरे अमेरिका के घर को खरीद ले। उसको अपना दोस्त श्याम प्रसाद मिल गया, श्याम प्रसाद बोला राम प्रसाद को, राम प्रसाद मैं भी अमेरिका रहने जा रहा हूँ, मैं वहीं कमाऊँगा खाऊँगा रहूँगा। तो राम प्रसाद बोला रहोगे कहाँ, मेरा घर है, मेरा घर खरीद लो। श्याम प्रसाद बोला ठीक है खरीद लेते हैं। तो दोनों में इस घर की डीलिंग शुरू हो रही है। लेकिन फेमा कहता है आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इंटर नहीं होना है इंडिया में, फॉर और इन कनेक्शन विथ एक्विजिशन क्रिएशन ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू एक्वायर एनी एसेट्स, कहाँ पे एसेट्स आउटसाइड इंडिया, एनी पर्सन अमेरिका में है एसेट्स, आप उसका इंडिया में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व हो रहे हो तो यहाँ पे आपको ये परमिशन बिल्कुल नहीं है। तो फॉर मेकिंग ऑफ पर्पस, तो मेकिंग एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन, रिसीविंग एनी पेमेंट फॉर बाय और ऑर्डर और बिहाफ ऑफ पर्सन, या आप ड्रॉ नहीं करेंगे जैसे होता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे उस घर के लिए कोई बिल्स दे रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं, या उसकी पेमेंट दे रहे हैं, या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अच्छा इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट भी कैप्शन आता है हवाला, अभी मैं आपको हवाला भी बताता हूँ। सेक्शन 3(1) क्लॉज डी के अकॉर्डिंगली ही भी हवाला भी प्रोहिबिटेड है। तो हवाला क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको हवाला की ओर समझा रहा हूँ कि हवाला किस चीज़ को कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए हवाला किस चीज़ को कहते हैं, जो कि क्लॉज डी में हवाला ट्रांजेक्शन्स भी प्रोहिबिटेड है, क्लॉज डी के अकॉर्डिंगली हवाला ट्रांजेक्शन्स भी प्रोहिबिटेड है। तो अब चलिए हवाला को समझिए थोड़ा, हवाला क्या होती है, दिस वन।